सरकारी विभागों के कामकाज में न्यायिक पचड़ों के बढ़ते मामले सिरदर्द बने हुए हैं। आलम यह है कि 50 से ज्यादा विभागों में ये पेंडिंग केसेस 1,80,000 से पार हो गए हैं। इन केसेस के निपटारे में जहां सरकारी वकीलों की फीस और अन्य खर्चे मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतिगत निर्णयों को अमल में लाने और सरकारी मशीनरी को फंक्शन ठीक से नहीं करने में खलल पैदा हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएस निरंजन जवाब तक नहीं दिया गया है और 8015 में निर्णय विभाग के खिलाफ गया है और 1173 यानी 14.73% निर्णयों की कार्यपालना बाकी है, जबकि 701 न्यायिक अवमानना के केसेस हैं। वित्त विभाग में कुल 12,369 पेंडिंग केसेस हैं, इनमें से 7,841 यानी 63.39% तो 1 अगस्त 2017 के बाद के हैं। 125 केसेस में डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो 201 केसेस में जवाब ही पेश नहीं किया गया। 9,221 यानी 74.54% केसेस में फैसला विभाग के खिलाफ गया। 2 केसेस में अपील पेंडिंग है तो 13 मामलों में आदेश की कार्यपालना बाकी है। वहीं 44 न्यायिक अवमानना के मामले हैं। इस तरह पेंडेंसी में टॉप 3 में न होने पर भी इस विभाग की परफॉर्मेंस कई मापदंडों में बेहद खराब है। शहरी विकास की बुनियादी 3 बड़ी संस्थाओं का आकलन करें तो UDH, LSG और JDA के कुल मिलाकर 39,244 केसेस पेंडिंग है, जो कुल विभागों के पेंडिंग केसेस का 21.79% है, जिसमें JDA के 10,494 और UDS के 13,025 केसेस पेंडिंग हैं। इनमें 14% यानी 5,644 केसेस में तो जवाब ही नहीं दिया गया। 8% यानी 3,257 केसेस में निर्णय इन संस्थाओं के खिलाफ, जबकि 340 मामलों में इन संस्थाओं ने आदेश की कार्यपालना तक नहीं की और 2.57 यानी कुल 957 इन संस्थाओं के अवमानना के केसेस हैं। RPSC, खान और पेट्रोलियम, पंचायती राज, गृह, मेडिकल समेत 1 दर्जन विभागों में 4,000 या उससे ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तमाम विभागों और संस्थाओं में JDA जयपुर की ज्यादा उदासीनता नजर आ रही है, जिसमें कुल 10,494 पेंडिंग केसेस में से 7,994 केस 1 अगस्त 2017 के बाद दर्ज हुए हैं और 44.56% यानी 3,562 में तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की ही पेंडेंसी है। 27.11% यानी 2,845 केसेस में तो जवाब ही पेश नहीं किया गया है। 211 केस में आदेश की कार्यपालना नहीं हुई, जबकि 534 अवमानना के मामले हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से
ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट।